अच्छे से निपट गया। तो भाइयों, रामलीला समाप्त हुई, सत्य की विजय हुई और बुराई का अंत हुआ। भाई बुराई का अंत तो पिताजी किया करते थे, इस बार आपने किया है। लापतागंज में रामलीला हुई, लापतागंज शुद्ध हो गया, लेकिन आप सुना सुना लग रहा है। ये तो है। सबने अपना अपना काम बखूबी निभाए हैंगे। अबे नौसिखियो, पापा कसम हमारे डायरेक्टर साहब को तो बोलने दो। अबे गुड्डू, पापा कसम हमारे पापा की जेब से पैसे निकालना इतना मुश्किल नहीं जितना इन नौसिखियों को सिखाना। जो डायरेक्टर यानी सुरीलिन कर दिया, तालियां। सुरीली ने किया है बेटा, वो क्या कहते हैं, वो बोल दो, सबको बोल दो। सबको थैंक यू बोल रही है। सुरीली, तुमको क्या लगता हैंगे, हमको छोड़ के बाकी लोगों में सबसे अच्छा पार्ट किसने किया हैंगे? अरे अच्छा पार्ट तो पिताजी किया करते थे, जटायु का। सबने अच्छा किया कह रही है। तो भाइयों, रामलीला देख के भूल मत जाना, रामलीला को अपने जीवन में उतारना भी, तभी रामलीला सही मायनों में सफल होगी। क्योंकि रामायण हमारे जीवन का सार है, एक सबक है जो श्री राम ने लीला रच के हमें सिखाया है, हमारे जीवन की अच्छाई और बुराई में भेद बताया है। मुकंदी भैया, एक बात बताइए, राम भगवान थे तो रावण ने सीता का हरण कैसे कर लिया भाई? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनही बहु विधि सब संता। उसकी लीला उसी की तरह अनंत है, उसे जानना असंभव है। लेकिन जरा सोचो, अगर रावण सीता का हरण नहीं करता तो वो कैसे मारा जाता, बुराई कैसे मरती? इसका मतलब किसी स्त्री के हरण के पीछे कोई लीला होती है। भाई हमारी भी एक स्त्री का हरण हुआ था, बाद में वो श्याम के साथ हरी हरण हो गई। बात चुप करो, काम बकलोली कर रहा है, छोड़ो, चलो दिवाली की तैयारी करो। पता है, रावण का वध करके श्री राम सीता मैया को लेके अयोध्या चले गए और फिर दिवाली मनाई। अरे दिवाली तो पिताजी मनाते थे। अरे मुकुंदी बाबू, आपकी सीता दिखाई नहीं दे रही है, कहीं उनका हरण तो नहीं हो गया? पगला गए होगा मामा, अरे वो अपने जीजा के साथ गई है, अपनी अम्मा के यहाँ, उसकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। अरे भैया, फिल्म खत्म हो गई, घर नहीं जाना है। अबे गुड्डू, हाँ पापा कसम, क्या पिक्चर थी बे। हाँ चलो, सब लोग चले गए भैया। मर्द टांगे वाला हूँ मैं, मर्द टांगे वाला। अबे गुड्डू, पापा कसम, हम सोच रहे हैं कि अमित जी की तरह हम भी अपने सीने में चाकू लेके मर्द नाम गुदवा ले। आइडिया बहुत अच्छा है भैया। अबे यार, अमित जी का मर्द और हम सेम टू सेम है गुड्डू। अबे पापा कसम, मर्द की तरह हमारा नाम भी लापतागंज के हर लेडी के टंग पे रहता है गुड्डू। वो कैसे भैया? अबे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो, लापतागंज में जब तुम किसी चाची को आवाज लगाते हो तो क्या कहती है, हम बिजी हैं, खाना बना रहे हैं, आओ। पापा कसम, अगर मौसी को आवाज लगाते हो तो क्या बोलती, कहती हम बिजी हैं, कपड़े धो रहे हैं। किसी को आवाज लगाते हो तो बोलते हम बिजी हैं, हमारे बच्चे स्कूल से आने वाला है। कोई बोलते हम बिजी हैं, हमारे पति देव आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यार गुड्डू, और तो और, पापा कसम कोई हमको घसीट के चाटा मारता है तो उफ तक नहीं निकलता है बे, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता गुड्डू। आओ। अबे 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 पगला गए हो क्या? अबे साइकिल चढ़ा दी भाई पैरों पे, अबे क्या समझ लिया, एमजी रोड जो चढ़ा दी साइकिल है। सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई, आप ठीक तो है ना? भैया हमने आपको रुलाया है, एक मर्द रोया है, हमारी वजह से एक मर्द नाम का बम लीक हो रहा है।
अबे हम नहीं लीक हो रहे, कोई और लीक हो रहा है, आओ जरा। क्या बात कर रहे हैं? कौन? अब क्या करें? ऐसे रुले? बेटा इतना फूट फूट के नहीं रोते। अरे फूट फूट के तो पिताजी रोते थे, खास तौर पे तब जब वो कहीं से फूट के आते थे। यहाँ तो किस्मत ही फूटी है। अरे भाई पापा कसम सुरीली, तुमको किसने हर्ट पहुंचाया हमको बताओ, मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोलो बोलो। मौसी पापा कसम, कितनी बार हमने आपसे कहा है कि सुरीली के आसपास प्याज तक मत काटा करिए, उसकी आंखों में आंसू देख के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा लेकिन हमने तो पापा कसम, अगर आप सुरीली के मायो नहीं होती तो हम कुछ कर बैठते। देखिए मौसी ऐसा है, आपने सुरीली को हर्ट पहुंचा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे गलत तो पिताजी किया करते थे, यहाँ तक कि उनकी सबसे बड़ी गलती हम, लेकिन आज ना गलती दीदी की है और ना गलती हमारी। तो फिर किसकी गलती है? अरे ये जान के क्या झंडे गाड़ोगे? सुरीली की समस्या को कोई नहीं सुलझा सकता, यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी। ऐसा है गुरु, एक मर्द हर समस्या सुलझा सकता है। अरे तो तुम्हारा मतलब है हम मर्द नहीं है जो सुरीली की समस्या को सुलझा नहीं पाए? क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो फिर से रोने लगे हैं। सुरीली सुरीली इधर आओ गुरु। अगर तुम मर्द होते ना तो अब तक समस्या सुलझ चुकी होती, समझे? तो तुम्हारा मतलब है कि हम मर्द नहीं हैं? अबे जब मतलब समझ चुके हो तो एक ही सेंटेंस बार बार दोहरा के अपनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, अब फैसला हो जाएगा कि कौन मर्द है और कौन ना मर्द। तो ठीक है गुरु, फैसला हो जाए, बोलो क्या करना है? बताएंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, सारे लापतागंज वालों के सामने बताएंगे। ओके मंजूर है। भैया बात का बवाल हो गया मगर भाभी की समस्या का पता नहीं चला। अबे गुड्डू, समस्या का पता भी लगा लेंगे और उसको सुलझा भी लेंगे, लेकिन पापा कसम पहले मामा के साथ मर्द कंपटीशन जीतने के बाद। हाँ तो मामा बोलो क्या करना है? भाई पकड़ो हाथ। देखो भाई, पिताजी का मानना था कि जैसे मेहंदी का चढ़ता रंग एक नारी के नारित्व की निशानी होती है, बिल्कुल वैसे ही किसी के खाने की क्षमता मर्द के मर्दानगी की निशानी होती है। एक सेकेंड, निशानी छोड़ो, पॉइंट पे आओ, क्या कहना चाहते हो बताओ। भाई पॉइंट ये है कि एक मिनट के अंदर हम और बीजी पांडे मिर्च खाएंगे, और एक मिनट में हम दोनों में से सबसे ज्यादा जो मिर्च खाएगा वो सबसे बड़ा मर्द कहलाएगा। अबे गुड्डू, इसे कहते हैं बे कम काओ हिट मी, यानी कि आ बैल मुझे मार। अबे मामा पापा कसम बचपन से हम बहुत बड़े चटोरे हैं, समझे? खाने के मामले में तुम हमें नहीं हरा सकते। आओ चलो शुरू करें कॉम्पिटिशन। छिछोरे तो पिताजी थे और उनके छिछोरेपन की कसम, अगर हमने तुम्हें धूल न चटाई तो हमारा नाम भी सुरीली के मामा नहीं। देखते जाओ बिजी पांडे, हम ये कॉम्पिटिशन जान बूझ कर हार कर तुम्हें कैसे मात देते हैं। हो गया। एक मिनट
देखिए काउंटिंग के हिसाब से एक मिनट में मामा ने खाए हैंगे 12 मिर्ची और बिजी पांडे ने कुल मिलाकर खाए हैंगे 72 मिर्ची। तालियां। इस हिसाब से बिजी पांडे को विजेता मानते हुए सुरीली के मामा से बड़ा मर्द यानी कि असली मर्द घोषित किया जाता हैंगे। अरे अरे एक मिनट एलिजा, एलिजा कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मामा तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। हाँ चौरसिया तुम सही कह रहे हो। हाँ। बिजी पांडे ने साबित कर दिया कि वो मर्द है। भाई बिजी पांडे को तभी असली मर्द घोषित किया जाएगा जब बिजी पांडे सुरीली की समस्या को सुलझाएगा। अबे हम मर्द थे, मर्द हैं और मर्द रहेंगे। अगर मर्द हो तो सुरीली की समस्या को सुलझाओ। पापा कसम हम सुरीली की समस्या को सुलझाएंगे और असली मर्द कहलाएंगे। हाँ लेकिन एक बात हम और घोषित करते हैं कि अगर बिजी पांडे सुरीली की समस्या को सुलझाने में सफल हो गया तो हम 5 दिन तक लापतागंज में नारी का वेश धारण करके घूमेंगे और अगर बिजी पांडे सुरीली की समस्या को सुलझाने में सफल नहीं हुआ तो पापा कसम हम गुड्डू की ओरिजिनल कसम खा के कहते हैं कि हम लापतागंज में 5 दिन तक लेडीज कपड़ा पहन के टहलेंगे। ओके भांगड़ा कर रही हो। रिली हमें बताओ ना तुम्हारी क्या समस्या है। प्लीज टेल मी। अरे नहीं मान रही हूँ। नहीं आया। अरे सुरीली बेटा अगर मुंह से नहीं बता सकती हो तो इशारे से ही बता दो। हम बता रहे हैं। अरे हमें पकड़ो। की जो क्या कहते हैं ऐसे वो जो होने वाली है प्रतियोगिता जो भी है उसमें इसे हिस्सा लेना है और जीतना भी है। बताओ क्या अबे गुड्डू अबे मिर्ची लग रही बड़ा भाई पानी पिला दे जल्दी। अबे पानी जल्दी लेके आओ बहुत मिर्ची लग रही गुड्डू। अबे जल्दी ला बे। अरे जो लड़की बोल नहीं सकती वो गाने की प्रतियोगिता कैसे जीतेगी। मामा तुमने बिजी पांडे को फसाया हैंगे। फसाया नहीं है वो खुद फंस गया है। पांडे तुम तो बहुत ही खूबसूरत लड़की लग रही हैंगी इसलिए हम तुमको देख रहे हैंगे और फूल फेंक रहे हैंगे। और पापा कसम हमसे ज्यादा मटक रहे हैंगे। इधर आओ। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। इधर आ बताते। सॉरी भाभी मतलब सॉरी भैया हम पीछे से आपको पहचान नहीं पाए और छेड़ दिए। अच्छा तो आजकल लड़कियों को पीछे छेड़ रहे हो हैं? अरे छेड़ते तो पिताजी थे क्योंकि वो मर्द है और जो खुद छेड़ जाए वो मर्द नहीं। अबे हम तो अपने ही पलंग में लेटे हुए। अरे पापा कसम इस बार मामा ने बहुत डीपली घुस के फंसाया है। अब हम सुरीली को कैसे जिताएंगे। हे भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज। जोर लगा के हाय सा। जोर लगा के ये आवाज कैसी आ रही है। हाय सा। जोर लगा के हाय सा। जोर लगा के हाय सा। जोर लगा अरे जोर अरे ये क्या कर रहा हूँ भाई।
कुछ नहीं भैया, साइकिल का आगे वाला डंडा काट रहे हैं। मगर क्यों? अरे हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही, फिर समझाओ। भाभी का कहना है कि इसे जेंट साइकिल से लेडीज साइकिल बना दें, ताकि आपको घाघरा चोली पहनकर चलाने में प्रॉब्लम ना हो। अबे इधर लाओ जरा। पापा कसम, हमारी बेइज्जती से ज्यादा हमारी इज्जत के बारे में सोचो गुरु। अबे यार ये शर्त लगा के हमारे रातों की नींद आराम हो गई गुड्डू। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारी बेइज्जती को कोई नहीं रोक सकता जब तक के आसमान से कोई धमाका ना हो जाए, जो कि कभी नहीं होगा। अबे गुड्डू इधर आओ, आप भी थोड़ा खड़े होंगी। एक बेहतरीन आइडिया आया है बड़े भाई। क्या? सोचो गुड्डू, आसमान से धमाका हो ना हो, लेकिन अगर लापतागंज में धमाका हो जाए तो। हमको समझे नहीं। समझाते हैं। अबे गुड्डू, पापा कसम हमारी बेइज्जती तो तब होगी जब सुरीली कंपटीशन हारेगी। मतलब? मतलब हमारे ढिंचक दिमाग में एक ढिंचक सा आइडिया आया है। आया या या यो या आ या ओ आ ओ समझाए। है ना? क्या बात कर रहे भैया, क्या आइडिया है? सीरियसली? तो बस फिर तुम जल्दी से घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। और सुरीली तुम हमारे साथ ही रहो, क्योंकि देखो अच्छे घर की शरीफ लड़कियां रात में ट्रैवल नहीं करती। कम प्लीज। भी मायो ये या टेक केयर भैया, आइए मम्मी। देखते जाओ बिजी पांडे, अगर हमने तुम्हें धूल न चटाई तो हमारा नाम भी सुरीली के मामा नहीं,